Cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. केबीसी में करोड़पति बनने के सपने, तो किसी का अगला इंडियन आइडल बनने का सपना। ऐसा ही एक आइडल इंडियन सपने देख रहा था, एक्टर बनने का, आदि। मैं हूं आज का नया देवदास, आदि, और पिक्चर का नाम होगा आदिदास। मैं हूं टाइगर। मैं हूं एकता। टुगेदर वी आर एकता टाइगर। मैं हूँ सुपर हीरो ब्रावन, और मैं इस धरती की औरतों को सपोर्ट देने आया हूँ। मैंने आदि को बहुत समझाया कि देख, तेरा बाप कोई जितेंद्र या धर्मेंद्र नहीं है जो तेरे लिए फिल्म बनाएगा, लेकिन आदि नहीं माना। और हकीकत आप खुद देख लीजिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली शॉपिंग नेटवर्क, आपकी शॉपिंग का डेली डोज। दोस्तों, आप फेयरनेस क्रीम तो सिर्फ आपके चेहरे को गोरा करती है, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी जादुई फेयरनेस क्रीम जो आपके पूरी बॉडी को गोरा कर देगी। चलिए मिलते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के पहले यूजर से। प्लीज वेलकम जॉन गिलबर्ट। थैंक यू। वेलकम जॉन। तो जॉन, बताइए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपका अनुभव कैसा रहा? ओ सूजी, मैं क्या बताऊं, इस प्रोडक्ट ने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। एक वक्त था जब मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काला हुआ करता था। ये देखिए मेरी पहले की तस्वीरें। ओह माय गॉड जॉन, आप तो बिल्कुल अलग ही दिखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया।
ये चमत्कार टोटल बॉडी वाइट कलर का है। मैं इतना काला था कि एक बार जब मैं किसी काम से अफ्रीका गया था तो वहां के काले लोग भी मुझे कालिया कालिया कहकर चिढ़ाते थे। मैं इतना काला था कि मेरी बीवी मुझे रात को टॉर्च लेकर ढूंढती थी। मैं जिंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुका था और तभी मुझे टोटल बॉडी वाइट कलर के बारे में पता चला। आज नतीजा आपके सामने है। आज मेरे शरीर का सिर्फ एक हिस्सा काला है। कौन सा? मेरी आंखें। लेकिन आजकल इससे तालियां कम कालियां ज्यादा मिल रही थी। यूसी सिड की 7:30 चल रही थी। राहू ने तो इसके करियर की राहुल रॉय कर दी। आज इस बेचारे के तारे जमीन पर थे। मेरे करियर को तो मौत के घाट उतार देंगे। हे डीजे, हाय, आम भाग्यश्री राजश्री मिताली जोशी। नाइस टू मीट यू। लेकिन बाकी सारी का है? ये मेरा ही नाम है। वैसे फ्रेंड्स कॉल मी डीजे। डीजे? मेरा नाम सुनकर तुम्हारा मुख क्यों खुल गया? नहीं, वो पुराने आते तो सो गए। और वैसे अमेजिंग ना, वो डीजे अरे तू पीजे। नॉटी, आओ हमारे साथ है। तेरे साथ है? यू नो यू आर रियली गुड। ओह थैंक यू, थैंक यू। एंड आई हैव समथिंग फॉर यू। फेमस बिजनेसमैन जेठाभाई जोशी का नाम सुना है? ओ वो जो आगरा में वाइग्रा बनाते हैं। हाँ वही, मैं उनकी बेटी हूँ। क्या? मुझे लगा प्रोडक्ट चलता नहीं। मेरी चार बहने हैं। इतना चलता है? Anyways, we are organizing this big party next week. और मैं चाहती हूँ वो पार्टी तुम बचाओ। Me? Yeah, sure. I mean, I would love to. Mm. Yeah. Hey, भाई, आने रगड़ो मने चाट। जी सर। वैसे पार्टी कब? अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? ये मुठिया कड़क है, ये खाने के नहीं, ये मुठिया मारने के काम आएंगे। पीछे चल बेटा, जल्दी अंदर चल, अंदर जाने कपड़ा बदली ले। भाई, लेडीज चेंजिंग रूम के बाहर तू क्या कर रहा है? मैंने पीछे जोइए छे। अरे बोला ना, मैंने पीछे जोइए छे। पीछे जोइए छे? हां। अरे भद्रेश भाई, रमेश भाई, सुन सुते भाई सुनियो। अरे आप बेशरम मानस ने पीछे जोइए छे, वहां पर मुठिया मारने की बात कर रहा था, यहां पर बोल रहा है मैंने पीछे जोइए छे। आपको यकीन नहीं हो रहा है? अरे आप अंदर जाके देखिए, तमे पण पीछे मलसे। हमने पण पीछे मलसे? विकृत माणस, अरे मारो आने मारो। The nation with the boots that will rock the place when the bass gets moved. Excuse me, pass.
और पास? ये आप क्या कह रहे हैं? इसने जो कहा तुम्हारे सर के ऊपर से गया ना जी, इसलिए तुमको बाउंसर कहते हैं। ये मेरे साथ है किचन स्टाफ। राइट। और तुम लोग ना थोड़ा काम पे ध्यान दो। आजकल ऐसी पार्टियों में घुसने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अब हमें ही देखो। थैंक यू। चलिए तो पूरा पेस्ट्री क्राउड है यार। आई नो। वो देख, मिसेस गोदरेज, बड़ा कूल लेडी। तू जानता है उन्हें? नहीं यार। तो तुझे कैसे पता चीज कूल? वो फ्रिज बनाती है ना, तो भी ना बड़ा लेडी। तू चल। Hey, वो देख तेरा शिकार। रोहित सर। Are you saying this guy's following you everywhere? हाँ यार, क्या बताऊँ? ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस के गेट पे खड़ा रहता है, स्टूडियो जाता हूँ तो स्टूडियो के गेट पे। समझ में नहीं आता उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। Thank God he's not here. Seriously? This guy is really affecting me. उसकी आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। मुझे तो दिख भी रहा है। सर, एक चांस, प्लीज। एक्सक्यूज मी। एकता उल्मा। How can you tell me now कि DJ नहीं आया है? 10 मिनट्स में मेरा शो शुरू होने वाला है। क्या? DJ नहीं आया? Yes, ये पकड़। ऐश कर। What am I gonna do about the music? Sir, why don't you try me out, sir? Try you out? I'd love to. लेकिन म्यूजिक का क्या? सर, मैं म्यूजिक की ही बात कर रहा था। Why don't you try me out for the music? You think you can handle this? Handle? सर, मैंने सब जगह बजाया सर। Amsterdam से लेकर पूछे तक। Trust me. Oh, I love confident men like you. Come. सर, एक चांस प्लीज। टेम्पो ब्लास्ट करने वाला हूँ, ट्रेन ब्लास्ट करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पूरा सेट ब्लास्ट कर दूँ। बस मुझे तलाश है एक नए एक्शन हीरो की। इसको कोई लेके जाओ भाई, लेके जाओ, लेके जाओ। होता है, कई बार ऐसा होता है जब काम नहीं मिलता है लोगों को तो ऐसा हो जाता है। क्या देख रहा है डूड? वो लड़कियों के इस्तेमाल करने की चीज है, पता है यार, लेकिन सोचता हूं मैं भी एक पैकेट खरीद ही लूं। मेरा भी बहुत बुरा पीरियड चल रहा है यार। तो पैकेट खरीद। और, 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 और,
मिल जाना, मेरे दूध को कर्ज निभाना। डेली शॉपिंग नेटवर्क आपके लिए लाया है एक नायाब तोहफा, एक ऐसी मशीन जो आपका वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं? देख इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। एक्टिंग साले जब देखो तो टीवी पे रेप विक्टिम की तरह नजर आता है, कभी तो इज्जत तरह काम किया कर। बहुत जल्द मेरी किस्मत बदलने वाली है डूड, फेमस एस्ट्रोलॉजर सुनीता मेनन को मिलने जा रहा हूँ। इधर 7.5 ने जेब में 7.5 रुपए नहीं छोड़े, उधार के घर में रह रहे और तू एस्ट्रोलॉजर पे पैसे वेस्ट कर रहा है। हेलो कौन बोल रहा है? व्हाट? एक मिनट, कैसे कैसे लड़कियां तुझे फोन करती है यार। मैंने पूछा हु स्पीकिंग तो बोलती है आई एम वेट। लगता बेचारी तकलीफ में, मैं उसकी तकलीफ दूर करता हूं। हेलो हाँ जी नहीं बिल्कुल बिजी नहीं हूं, एक मिनट। अबे इडियट, वेट का मतलब है जानवरों की डॉक्टर गीला सुखानी। पागल तू और तेरी गीला, अभी बैठ के बात कर। हेलो हाँ डॉक्टर सुखानी, हाँ डंडन मैं भी आता हूँ। थैंक यू सो मच। पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व। किसी ने सच ही कहा है, हर कुत्ते का दिन आता है। जुदाई का मौसम। मे आई कम इन? हाय सेट। ओह सॉरी, वो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। डॉक्टर गिला, आपको कोई गीला कोई गिला शिकवा तो नहीं? नो नॉट एट ऑल सेट। हाय साकरू, वैसे ऑल सेट एंड डन सेट। Your dog's got a lot of style, huh? I know. It's called doggy style. Doggy style? I like that. मैं अपनी नहीं, मैं सकरू की बात कर रहा हूँ। Yeah, of course. Pagla? Hello? Pagla? Oh, yeah. Sorry. Hey, सकरू. Hi, handsome baby. Sid, you must be so proud of him, na? अरे फकर है. फकर है मुझे इस पे. जब से खड़ा हुआ है अपने अपने पैरों पे, मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घर का खर्चा, गाड़ी का ईएमआई, सब इसी की तो मेहनत की कमाई है। माय बॉय। लो मधुबाला और चिंकी भी आ गए। हाय चिंकी। सिद, ये मधुबाला है, चिंकी यहाँ है। हाय चिंकी। हाय। ओह वैसे ये म्यूजिक किस लिए है? इसके लिए, अगर ये मूड में नहीं होगा तो परफॉर्म कैसे करेगा? ओह रियली? आई डिडंट नो, आजकल कुत्ते भी मूड्स इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले कि मूड ऑफ हो जाए, हम लोग शुरू करते हैं। वैसे सिद, आई मस्ट से योर डॉग लॉट ऑफ स्टैमिना। हाँ, इस मामले में तो वो मुझ पे गया है। नॉटी नॉटी। हाँ वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है, देना है गिफ्ट। सकरू डायमंड लॉकेट? हाँ, वो शशिकला याद है, सोपली ज्वेलर्स वाली? हाँ, ऑल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी had given up on her. सबने कहा वो बांझ है। ओ। लेकिन आपका सकरू ने शशिकला की गोद खुशियों से भर दी। माँ बाप ने तो मुझे सिर्फ पैदा किया है, पर पाल पोस के तो तू बड़ा कर रहा है।
मेरे पग, give me a hug. टैरो कार्ड्स. ओह, आई एम सॉरी. चूज वन. क्या कहा था तुमने? काम क्या करते हो? जी, मैं एक्टर बनना चाहता हूं. देन गेट सेट फॉर स्टारडम. रियली? यू आर गोइंग टू बी फेमस. Very famous. लेकिन अपनी मेहनत से नहीं, किसी और की किस्मत से. एक लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में, your soulmate, और उसके आते ही तुम्हें एक बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी. ये लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? उस लड़की का नाम सर अक्षर से शुरू होगा. बस अपनी आंखें खुली रखना. ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सामने ही बैठी हो और तुम उसे पहचान ना पाओ. गो फाइंड हर. ओके ओके. इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? व्हाट डू यू मीन? अब जान के भी अनजान क्यों बन रही हैं? मुझे पता है आप मेरी और आपकी बात कर रही हैं. सर से सुनीता जी? मैं किसी और लड़की की बात कर रही थी. मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं. I'm sorry. पता नहीं कहां मिलेगी वो लड़की. The girl with an ass. मुझे लगता है इन दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए. क्यों? अकेले क्यों आंटी? यही सबके सामने बात करते हैं ना, इसमें छुपाने जैसा क्या है? क्यों? या राइट. सुनन, तो कुछ अपने बारे में बताओ. तुम्हारी दिन की शुरुआत कैसे होती है? मेरा मतलब सुबह उठ के सबसे पहला काम तुम क्या करती हो? सबसे पहले मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ. और फिर रात भर? रात को तो मैं काम करती हूँ ना. रात को काम? हाँ, रात वाला काम. I work at a call center. Call center? वैसे what about films? I just love films. तुम्हारी favorite movie कौन सी है? Blue film. Blue? Blue film? आप लोगों ने नहीं देखी? Mom dad का तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक दो बार अकेले में. अकेले क्यों? I mean. ब्लू फिल्म तो फैमिली एंटरटेनर थी ना. अक्षय वाज सो गुड इन द फिल्म. तो सिमरन बेटा, बताइए कि आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. वाह, मुझे भी. वो रहने दीजिए आंटी, ये बताइए कि आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? मैं तो सीरियल की बात करी थी. और किसकी? अरे सच्ची? पापा, देखिए इस लड़की के सपने बड़े बड़े हैं और आपसे तो कुछ छुपा है नहीं. इसके सपने मैं कैसे पूरे कर सकता हूँ? आप लोग मुझे चिंटू ऐसे ही थोड़ी ना बुलाते हैं. सिंह नाम अगर चले बस कहर चले जा.
चिंगम फक्त खातो चिंगम आता माझी सटकली आता माझी सटकली कट गुटे गादी ओके था ना थैंक्स यार फोन करके बताना हाँ हाँ बिल्कुल बाय सी यू मॉम हाँ मॉम नहीं मैं घर नहीं आ रही हूँ मैं अन्नू के साथ हूँ मॉम मैं क्या करूँ अगर डैड किसी को फेसबुक पे फेस दिखाने के लायक नहीं रहे मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया है दैट आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर मैरिज मॉम कम से कम अब आप लोग लड़का देखने से पहले 10 बार सोचेंगे आज फाइनली मॉम डैड को दिखा दिया हेलो इधर मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया सवेरे से सारे न्यूज चैनल्स मेरे क्लिप्स दिखा रहे हैं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट 9/11 के बाद वापस कोई ट्विन टावर्स न्यूज में आए हैं शट अप सिम डैड विल किल मी व्हेन आई गेट टू गोवा अच्छा उस डीजे का कुछ पता चला कोई डीजे सिड है अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो वो तो गया सॉरी यार सॉरी आज बस हेलो हाँ बोल क्या पायल्स कार्ड अबे साले कभी तो कोई ढंग का काम लाया कर तू मेरा एजेंट है कि आए साय का अच्छा भाई टिकट टिकट सर टिकट मैडम टिकट एक मिनट हाँ यही तो रखी थी ठीक से चेक कीजिए या तो फिर आपने टिकट ली नहीं होगी What the hell do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने टिकट खरीदी ही नहीं है देखिए मैडम क्या देखिए मुझे देख के लगता है कि मैं टिकट के बिना ट्रैवल करूंगी एक तो आपके पास टिकट नहीं है ऊपर से आप मुझ पर ही रोक देखिए भाई साहब ये कह रहे हैं तो मान लीजिए ना टिकट ली होगी नहीं मिल रही है ठीक है ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कह रहे हैं तो आइंदा संभाल कर रखना टिकट टिकट प्लीज यू वेलकम बाय टेक केयर बाय Excuse me. Please don't mind me saying. पर बस हो या ट्रेन एक मिस हो जाए तो दूसरी आ जाती है बट नॉट लाइफ सो प्लीज डोंट रिस्क इट ऐसा लग रहा जैसे शबाना आजमी के मुंह से एंटी स्मोकिंग कैंपेन सुन रहा हूँ हाँ हाँ आ रही हूँ ये तुम्हारी गाड़ी है हाँ क्यों और बस के पीछे पीछे आ रही थी हाँ कार के होते हुए तुम बस में क्यों ट्रेवल कर रही थी बस में ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और है स्पेशली विदाउट टिकट विदाउट टिकट बाय द वे आई एम सिमरन आई एम आदि नाइस टू मीट यू एंड थैंक्स अगेन हेलो हेलो या स्पीकिंग या क्या चिंगम के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया या शो 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 ओके या थैंक यू यस 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 अगर ये फिल्म मिल गई तो मेरी तो लाइफ बदल जाएगी इस लड़की का नाम स अक्षर से शुरू होगा सिमरन सुनना सिड अगर सिमरन मुझे फेसबुक पे मिल गई हाँ तो मैं उसके वॉल पे क्या लिखूं लिख इस वॉल पे पेशाब करना मना है डूड तुझे नहीं लगता तू एस्ट्रोलॉजर की बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है डूड प्लीज उसका नाम सर से शुरू होता है उसके मिलते ही फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया सोचना यार वेयर डू थिंक आई विल फाइंड हर
तेरी ये जो सिमरन है, तुझे क्या लगता है उसे क्या पसंद है? Do you think she likes to party? क्यों? See, if she's the party type ना, then we should look for the best and the most happening dicks in town. क्या? कितनी बार कहा है तुझसे? It's disc, not dicks. हाँ. It's ask, हाँ. not asks. हाँ. एक दिन ऐसा फंसेगा ना तू, याद रख. याद? याद से याद है, मैं तो भूल ही गया यार. आज तो मुझे किसी को जॉब के लिए मिलना है. चल अबे ए, अपने सीडीज तो लेके जा. मेरे पास हार्ड डिस्क है ना. सॉरी सर, यू आर लेट. हमने किसी और को हायर कर लिया. नेवर माइंड. श्योर. थैंक यू. इस सारे साथी ने तो मेरे करियर की. ये तो वही लड़की है. Hello. How can I help you? You want something to drink? Oh, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं. No. I'm the guy who changed your life. Really? जिस DJ के वजह से तुम्हें हर social networking site पर, हर news channel पर इतनी publicity मिली है, वो DJ? वो DJ तुम हो? और इस वक्त मेरे सामने खड़े हो? यकीन नहीं हो रहा है ना? DJ Sid. Anu. Nice to meet you. Anu. By the way, you were fantastic that night. Oh, really? Thank In you. In fact, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ. You see, there's this big party and you just have to play it. Oh, me? Yes. Really? Yes. I would love to. Thank you. Come on. तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है. It's time for me to return the favor, no? तुम भी ना? हाँ मैं. दो मिनट हाँ, मैं जरा confirm करके आती हूँ. Don't go anywhere. याद है तुमने मुझे बताया था यहाँ पर हर फ्राइडे वो औरतें मेल एस्कॉर्ट्स को हायर करती हैं? मैम वो रूम नंबर 1769. हाँ एग्जैक्टली. इज इट ऑन टुनाइट? यस मैम. लेकिन क्यों? मैं किसी को भेजना चाहती हूँ. अरे मैम कैसी बात कर रही हैं आप तो जानती ही हैं उस रूम में क्या क्या होता है. फिर भी आप. I know, but trust me, Alwyn, this guy really deserves it, man. सात 69. May I come in? Come in. गणपति बप्पा. हेलो. हेलो. वो मैं एक्चुअली आया था क्योंकि हाँ, जानते हैं हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे. कम. Why don't you take a seat? Oh, sure. Thank you so much. Nice. Very nice. हम नए टैलेंट को चांस देना ज्यादा प्रेफर करते हैं. Thank you. वैसे तुम्हारे चार्जेस वो तो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए परफॉर्म करना है. 2-3 घंटे या फिर फुल नाइट. Well, हमारी पार्टी तो फुल नाइट चलती है. तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं. मैं तो पूरी रात बजा सकता हूँ. बस आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिए. दैट वे आई एम क्वाइट फ्लेक्सिबल यू नो. हाँ मैं आपको अपनी जबान देता हूँ. तो और मजा आएगा. वो क्या है ना, सेलफोन कंपनीज की तरह मैं भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बिलीव करता हूँ. हाँ, स्वीट. आखिर आपकी खुशी में मेरी खुशी है. काश हमारे हस्बैंड्स भी इसकी तरह ही सोचते. By the way, टिक्स का क्या? आप लोगों ने कुछ सोचा है? हम क्यों सोचे? वो तो तुम्हारे पास होगा. मेरे पास? नहीं नहीं नहीं, मेरा अपना तो है नहीं. क्या? हम लोग भाड़े पे ले सकते हैं ना? क्या? हाँ, छोटा बड़ा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आसानी से मिल जाएगा. बस आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि कब बचाना है और कहाँ बचाना है. देखो हम तुम्हें जिस काम के लिए हायर कर रहे हैं तुम उसके लिए किसी और को हायर क्यों कर रहे हो? क्या? और वो भी आप, जब हमने तुम्हें बताया था कि पार्टी आज है और इधर ही है. क्या? देखिए मेरी तो आपसे फोन पे बात भी नहीं हुई. डेफिनेटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. मिसअंडरस्टैंडिंग? बच्चू जब यहाँ से निकलोगे ना
यू वोंट बी स्टैंडिंग। क्या है सर? अनु मैडम ने आपके लिए ये भेजा है। अनु मैडम ने? जी। आई एम श्योर कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इज्जत कमाना किसे कहते हैं। वाह। सिमरन, क्या कर रहे हो? वो कॉल करने आया था। कॉल करने?
देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो तुम क्या देख रहे हो, मुझे सब पता है। पता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना। How disgusting! पर तुम इन छोटे मोटे एड्स पे मत जाओ, ये तो मजबूरी है, इसलिए करना पड़ता है। ये हॉट सीट पे तुम हो? हाँ। और तब से तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो तुम मॉडल हो? नहीं, स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। हाँ, स्ट्रगल तो तुम्हारा यहाँ भी दिख रहा है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, I was convinced you had a clean heart. बस अब तुम्हारा सिस्टम क्लीन करने की जरूरत है। It's so cute. इसको तो फ्रेम कराना चाहिए। सिद, क्या? एक 8-10 दिन में ये घर खाली कर देना। हाँ, तू ये चड्डी वड्डी में घूमता रहता है ना, तेरी भाभी के सामने अच्छा नहीं लगेगा। मेरी भाभी? जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता रहता हूँ और जिसने मेरा इंटरनेट का बिल बढ़ा दिया है। तू सनी लियोन से शादी कर रहा है? मैं किसी और जिस्म की बात कर रहा हूँ। सिमरन, एकदम यश चोपड़ा राज कपूर की हीरोइन जैसा नाम है ना। आजकल की हीरोइन जैसा नहीं, पकड़ी पैंटी। ये तू सिमरन से शादी कर रहा है? उसने हाँ बोल दिया? हाँ, अब हाँ बोलेगी। कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना, तब। अच्छा सिद, सुनना। हाँ। कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना, तू मेरा मोबाइल पे वीडियो शूट कर। क्यों? वो तो फ्यूचर। ईशान और सारिका भी देखेंगे ना। अब ये ईशान और सारिका कौन है? हमारे होने वाले बच्चे। तुझे 9 दिन नहीं हुए उससे मिले और तू 9 महीने के बाद की प्लानिंग कर रहा है। डूड, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, तू नहीं समझेगा। मुझे बस अब उससे एक सवाल पूछना है कि विल यू मैरी मी, और उसे जवाब देना है यस। इसे तो अब सिर्फ रजनीकांत ही बचा सकता है। सिमरन, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। फिर वाइन पिलाने का क्या फायदा? चिल, I'm just kidding. वैसे ये सब किस लिए? मेरे घर एक शादी होने वाली है। You have to be there. तुम बुलाओगे तो definitely आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, वरना शादी कैसे होगी? मैंने तो कार्ड्स भी छपा दिए। Nice. वैसे शादी किसकी है? हमारी। What? Will you marry me? No. Yes, I knew it. अगर तुम्हारे पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं आदि, पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई और लड़का है तुम्हारी जिंदगी में? No, it's not that. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि I like girls more than boys. इसको तो रजनीकांत भी नहीं बचा सकता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? Even I like girls more than boys.
समझने की कोशिश करो आदि। आई लाइक गर्ल्स मोर देन बॉयज। दोस्ताना देखिए, हाँ जॉन और अभिषेक। यानी उधर जॉन, इधर चिगना। डिल्डो लारे। सॉरी मैम, आजकल बीच पे भी परमिट लगता है, धोबले साहब अलाउ नहीं करते। हाउ सैड। या एक्सक्यूज मी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए ना यहाँ से, जाइए। लेकिन इस तरह अचानक तुम्हारी टेस्ट कैसे बदल गई? तुम्हारे साथ रहने के बाद आई रियलाइज। मेरे साथ? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। Exactly. I'm sorry, आदि. Please take care. Bye. ये वीडियो YouTube पे राइट कर देगा। अगर तू किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में होता ना, तो तू जरूर कन्वर्टर होता, कन्वर्टर। और अभी टी शर्ट उतार दे तू, इसे पहनने का हक तू बिल्कुल खो चुका है। लड़की की तरफ से तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड मिलता है। देख, तू उंगली मत कर, छोड़ना। लुक एट द ब्राइट साइड, तू लड़की को इतनी महंगी डायमंड रिंग गिफ्ट करने वाला था, अब उतने पैसे तो बच गए ना तेरे, है ना? एक मिनट, वो रिंग भी ले गई। देख, वो ऐसी नहीं है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। Something's wrong somewhere. Shit. Oh my god. चिंगम भी हाथ से निकल गई। क्या? और तू हंस रहा है? वो आई तो पिक्चर आई, वो गई तो पिक्चर भी गई। एक बात तो कंफर्म है डूड, कि सिमरन ही मेरी सोलमेट है। बस अब मुझे ये पता लगाना है कि उसने मुझे ये स्टोरी क्यों दी। तुम्हें हाइट है, एक तो तुझे लड़की के लिए छोड़ के गई, ऊपर से तेरा डायमंड रिंग भी लेके गई, और तू अब भी उसे अपनी सोलमेट मानता है? तुझे तो रिप्लीज के बिलीव इट और नॉट में होना चाहिए था। हेलो, इतना हंस मत, वो रिंग तो मेरी थी, लेकिन उसके ऊपर जो डायमंड है ना, वो तेरा था। बॉस, मेरे पास कोई डाय। सकरु का डायमंड? उस रिंग पर सकरु का डायमंड था? यस। अबे साले, इस बेचारे सकरु ने इस डायमंड के लिए खून पसीना ही नहीं, और भी कुछ भाया यार। बस मुझे अभी के अभी सकरु का डायमंड चाहिए। पता लगा सिमरन कहाँ पे? पता लगा? Going to chill in Goa? इसकी स्टेटस पे लिखा है। ओह, डायमंड मिलते ही गोवा। लगता है उसने डायमंड बेच दिया। देख, सिमरन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। I agree. गोवा पहुंचने के बाद डायमंड बेचेगी। चल, we are going to Goa right now. चल। सिमरन। अनु, this guy is a psycho. 400 बार उसने फोन किया है, तब मैं उसे मिलने गई हूँ। अगर उसे कह देती कि कोई और लड़का है, तो पता नहीं वो क्या करता। अब अगर लड़की की टेस्ट ही डिफरेंट हो, तो कोई लड़का क्या कर सकता है? अच्छा सुन, अगर किसी दिन वो हमारे सामने आ गया ना, तो हमें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी।
You're just too much. मुझे लगता है कि साइको वो नहीं, तू है. लेकिन forget all that. It's party time now. अरे पार्टी से याद आया, I hope तुम्हारे डैड की वो New Year's party is still happening, right? मैंने तुम्हें बताया नहीं सिमरन, लेकिन दादी के गुजरने के बाद डैड थोड़े पागल हो गए हैं. क्या? जब तक फिल्मी चीज कलेक्ट करने का शौक था तब तक ठीक था, लेकिन पा फिल्म देखने के बाद उन्होंने तो हद कर दी यार. 5 प्रोगेरिक बच्चों को गोद ले लिया. Can you believe that? Finally. Jingle bell, all the way. Santa Claus is coming. Hi, Dad. Hi, Uncle. My daughter. Dad. Okay, sorry, my darling. Merry Christmas. Merry Christmas. Thoda gifts ka hai. Of course, you will get your gifts. But usse pehle, mere gifts ke baare mein poocho. Poocho. What? Mother Mary ne meri mother ko wapas bhej diya hai. वापस आ गई है. What? लेकिन दादी तो विश्वास नहीं होता ना, पुनर्जन्म लेकर आई है और तुम्हें देखकर तो खुशी से पागल हो जाएगी. मम्मा, ये कैसे हो सकता? मम्मा देखो तो कौन आया है. माँ आ गई है. माँ इज लुकिंग एज ग्रेसफुल एज एवर. माँ के पैर छुओ बेटा. अरे तुम क्या कर रही हो? ये माँ नहीं है, ये तो माँ की आया है. माँ तो इनकी गोद में है. ये माँ है? डैड, ये आपकी माँ कैसी हो सकती है? Have you gone mad? Mind your language. माँ को अंदर ले जाओ, यही माँ है. गुरुजी की कृपा से यहाँ आई है. गुरुजी? अब ये गुरुजी कौन है? एक महान पुरुष है, एक ऐसे महात्मा जो पूजा अर्चना भक्ति ज्योति और साधना में घुसे रहते हैं. मोह माया से भरी इस दुनिया को त्यागने के लिए न जाने कितनी अग्नि परीक्षाएं दी हैं इन्होंने. गुरुजी की नजरों से कुछ भी नहीं छुपा, उनके पास दिव्य दृष्टि है. 7 साल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है उन्होंने. कौन सा पैर ये मत पूछना. और इसी खड़ी तपस्या का फल है कि आज गुरुजी भगवान से डायरेक्ट बातें करते हैं वाया सैटेलाइट, और इसी वजह से भक्तों ने गुरुजी को प्यार से नाम दिया है बाबा त्रिजी. Why this कोलावरी डी Why this कोलावरी. आइए मार्लो जी, बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं, लीजिए प्रसाद. द्वारकाधीश, पूजा खत्म होते ही प्रसाद खाने आ गए. घर पे सब कैसे हैं? मीरा जी, राधा जी, आई होप एवरीथिंग इज कूल इन गो कूल. मैंने कहा था ना, भगवान से बातें करते हैं. क्या ऊपर सब कुछ ठीक नहीं है? सुदामा के साथ ओसामा? मैंने पहले ही आपसे कहा था ना कि सुदामा की गरीबी दूर कीजिए. अब देखा ना क्या आउटलाइन पर. ठीक है, मैं कुछ करता हूँ. मार्लो जी, त्रिजी जी, सुदामा की गरीबी दूर करने के लिए एक $15,000 का मनी ऑर्डर भेजना. डॉलर? सुदामा मायामी में रहते हैं ना? सुदामा मायामी में रहते हैं. त्रिजी जी, ये मेरी बेटी है, वो अनु, और ये इसकी फ्रेंड है, वो सिमरन. अफसर आए हैं. अफसर आए हैं. हेलो, चक्कर क्या है? और ये मेरी दादी कहाँ से आई? क्या कर रही हो? Good question. मुझे साक्षात्कार हुआ कि वो कुतिया किसी महान व्यक्ति की माँ है, और मेरे दिव्य दृष्टि के सामने मार्लो जी का चेहरा आ गया. फिर क्या, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, देकर उन्हें वो कुतिया बनाया, उन्हें चू.
भाग्यशाली भाग्यशाली। मार्लू जी, माँ के नाम से याद आया कि हमें चलना पड़ेगा। माँ के मैनिक्योर का वक्त हो गया है ना? माँ के मैनिक्योर का वक्त हो गया है और सुधामा को पैसे भेजने हैं। और सुधामा को पैसे भेजने हैं तभी तो वो पोहा भेजेगा। तेरी गाड़ी बार बार बंद हो रही है। देख, हमारी तरह हमारी फैमिली का भी बुरा पीरियड चल रहा है यार। लेकिन अगर ऐसे ही लीकेज होती रही ना तो हम लोग अगले साल पहुंचेंगे गोवा। क्या बोल रहा है यार? इसी की वजह से हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिली। क्या बात कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, इंडिया के टॉप के बिजनेसमैन लोग को ना मैं तो थप्लाई करता हूँ। ताता थिल्ला थम्मानी अभी दुआ भी डाला हूँ ना एक नए कस्टमर को मिलने। अगर आप लोगों को भी दूध की जरूरत पड़े तो मेरे को बोलना। ये तो सखरों के ही काम आ सकता है डूड। मेरे पास हर टाइप के दूध अवेलेबल है, हर कलर में, हर साइज में, और फिटिंग की तो गारंटी है। ऊपर ओ अच्छा, मैं चलता हूँ, दो में याद रख। जरूर जरूर। सूट्स, इसका मतलब इतनी देर तक ये सूट्स की बात कर रहा था और हम लोग सोचे थे कि वो तो इस कार्ड का क्या फायदा? साहब क्या लेंगे आप? मेरे लिए कैपेचिनो और इसके लिए अल पचिनो। दो कैपेचिनो लेके आना। ये कैपेचिनो क्या होता है? और ये कैपेचिनो की होता है? तेरे को कैपेचिनो नहीं पता? हम तो है कैपेचिनो। तुम पीलो जरा हसीनो। हम तो है कैपेचिनो। तुम पीलो जरा हसीनो। हम तो है कैपेचिनो। तुम पीलो जरा हसीनो। हम एक पे एक बजी है सिर्फ जितने चाहे मारो। नंदन 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 डिंग डाना डिंग डाना डिंग डाना डिंग डिंग डाना डिंग डाना डिंग डाना डिंग। ओ दिल वालों के, ओ दिल वालों के, दिल वालों के दिल का करार लूटने हमारे है यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने हमारे है यूपी बिहार लूटने। हवा पे हम झोंके, जो देखे वही चौंके। जब निकले पसंद में हवा में ठंड के के हम फिक्सर। यार दोनों का मिक्सर हो हर जगह हमारे सिक्सर हो। सारी दुनिया ये जाने मस्तियों के हम फिक्सर। हमने तो एक 11 हमें के 47 और गोली बागे बन के हम तो भर के आए। बिहार लूटने दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। सुन लिए आपने यूपी के बोल? आता आई का महाराष्ट्र से ढोल। हम
मातीचे पुत्र आहोत, आम्ही या जागेचे राजे आहोत. आमच्या रक्तामध्ये आग आहे, आमच्या छातीमध्ये वाग आहे, आमच्या महाराष्ट्रावर प्रेम आहे. रसिकांच्या काळजाचा धोका चुकवायला आम्ही आलो आहोत मुंबई. कल रात को जो हमने पिया था वो कैपुचिनो ही था क्या? अबे छोड़ ना, रात कई बात कई. सुन, मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ है. आजकल तेरे केस में सिर्फ सवाल ही खड़ा होता है. ये गाड़ी हमें गोवा लेके जा रही है कि हम इस गाड़ी को गोवा लेके जा रहे हैं? चल किसी से लिफ्ट मांगते हैं. चल लिफ्ट 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 लिफ्ट. ये पकड़. वॉच एंड लर्न. क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम. Like this. Oye, sada cappuccino. Oh, mela ta kamara binde aja. Lajo, lajo. Oh, Jordi. Aye, shabash. कर रहे हैं लोग? अरे मुझे क्या पता, ये तो पीछे से लिफ्ट मिलेगी यार. अरे मैंने कहा अरे भाई साहब ये आपने. ओए थैंक यू की जरूरत नहीं है. और तुम कल्ले गड्डी को धक्का मारे थे तो हमने सोचा थोड़ी सी मदद हम भी कर देते हैं. वैली पार्किंग तो सुना था डूड, लेकिन ये तो वैली पार्किंग हो गया. अपनी फैमिला भगवान को प्यारी हो गई यार. कहते ऊपर जाने वाले साथ में कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन ये अपना सामान पैसे सब कुछ लेके गए यार. अब हम गोवा में क्या करेंगे? अपनी तो फुल लग गई डूड. तू था हा? जब टेली शॉपिंग की वाहियात एड्स मिली तू था. सिमरन ने दिल तोड़ा तू था. वो रिंग लेके गई तभी सिर्फ तू ही था. इसे ही तो कहते हैं सच्चा दोस्त. अबे घंटा सच्चा दोस्त, मुझे तो लगता है तू ही पनवती है. मायूस. मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. क्रिसमस. पार्टी. इधर रोटी कपड़ा और मकान के बांधे हैं और तू इस पार्टी के बारे में सोच रहा है? यू आर नॉट गोना बिलीव दिस. जरा नीचे देख. अरे वहां नहीं, यहां नीचे देख. पार्टी होस्टेड बाय ट्रिपी गुलाटी. अपने कॉलेज का ट्रिपी. अगर ये वही ट्रिपी निकला अपनी तो निकल पड़ी बॉस. गिव मी अ फाइव. आखिरी पांच रुपए बचे वो भी मांग रहा है. गॉड सर. ट्रिपी और इतना बड़ा घर. दिखाई नहीं दे रहा है. कहीं चेला मार के पड़ा होगा. अरे ये तो अपना ट्रिप ही है नहीं था. हाँ जी
सिड सकरो, व्हाट अ सरप्राइज, तू लोग गोवा में क्या कर रहे हो? अरे ये पता तू फ्रिज में क्या कर रहा है? जस्ट चिलिंग गाइस, जस्ट चिलिंग। और वो इसको दूसरी लड़की के लिए छोड़ गई। और ऊपर से वीडियो यूट्यूब पे डाला मैंने। अब हंस के हो गया हो तो ये बता दे कि तेरे लिए ये सब कौन छोड़ गया है? हाँ यार, मेरे अंकल बेचारे कुछ 20 दिन पहले वो मर गए। एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था उन्हें। स्विट्जरलैंड गए थे बर्फीली पहाड़ से बंजी जंपिंग करने। एक्साइटमेंट में बंजी पहनना भूल गए और सिर्फ गंजी पहन के कूद गए। तो फिर क्या, कूदे से नीचे पहुंच गए ऊपर। मेरे लिए 5 मिलियन पाउंड छोड़ गए। 5 मिलियन पाउंड, वाओ। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये रुपीस में कन्वर्ट करके होते कितने हैं। देख, तेरा कन्वर्ट करने का कोई भी काम हो ना तो इसको दे, ये कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस माय गर्लफ्रेंड। क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन मजा बहुत आता है। मी योको ओनो। मी टेनी डेंजोंगपा। मी साले चीटर, एक ही नाम था वो भी ले गया। तू मनीषा कोरल बोल ना। अबे वो 1942 की है। ए यार तू ना भी ना यार। इट्स क्रिसमस, लेट्स सेलिब्रेट गाइस। लेट्स रेज अ टॉस्ट टू फ्रेंड्स एंड गुड टाइम। तुम लोग ने ग्लासेस क्यों उठाए? बात तो टोस्ट की हुई थी। क्या कूल है हम। See you there. Bye. Hi. You? माफी मांगने आया हूँ। फैशन शो में जो तुम्हारे साथ हुआ मेरी वजह से, I'm really very sorry. Cool. और वैसे भी उसका बदला तो तुम ले चुकी हो। रूम नंबर 1769 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस दिन समझ में आया कि एक औरत की तरह मर्द का भी एक ही कहना होता है। वैसे व्हाई डोंट यू लेट मी बाय योर ड्रिंक, वरना मेरी अपोलॉजी कंप्लीट नहीं होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, जस्ट वन ड्रिंक। ओके ग्रेट, आफ्टर यू। सो टेल मी, व्हाट ब्रिंग्स यू टू गोवा? छुट्टी या वर्क या फिर कुछ और? मैं यही रहती हूँ, मेरा घर पास में है। ओह, but what brings you to Goa? वो मेरी एक चीज किसी के पास है। oh. वो मैं वापस लेने आया हूँ। ओके। वाओ, नाइस रिंग। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम त्रिभुवन दास है क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। I'm surprised. It's so difficult to find someone loyal these days. पता है? According to a survey, 70% of men cheat in India. हाँ, बाकी के 30% बैंकॉक जाते हैं। वैसे तुम लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? वो तो डिपेंड करता है ना कि
की लड़की आ रही है कि जा रही है? You have a wicked sense of humor. Thank you. Listen, मुझे जाना पड़ेगा. क्या? इतनी जल्दी? I'm really sorry. मेरी friend मेरा wait कर रही होगी. But it was really nice to meet you. And apology accepted. I'll see you soon. Thank you. Bye. See you tomorrow at Adam's Club. Anu, देखा यहाँ कहीं candles मिलते हैं क्या? Sure, babe. I'll just check in car. Sim, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ. Aroma candles. Wow. These candles are amazing. Bathroom में अंधेरा करके आराम से बाथटब में लेट के हम इनको यूज करेंगे ना, we'll be in heaven. Wow. ये थोड़े छोटे नहीं है? अलग अलग साइजेस में भी लाई हूँ. छोटे वाले बाथरूम में यूज करेंगे और बड़े वाले बेडरूम में. पूरी रात चलेंगे. Just can't wait to use them. Dildo all are. Hi Simran. Adi. Hi. वो मैं तुमसे दो मिनट बात करनी थी अकेले में. जानती पे कलंक हो तुम. कलंक? बहुत मजा आया ना तेरे को. पार्ट टू देखेगा? साले अल्बाइनो की औलाद, आजा देख ले वीडियो. पार्ट टू देख लेना, अपना वीडियो देख ले साले. फिल्म फेस्टिवल में रिलीज कर ले. वाओ, तो ये है मार्लो का घर. ट्रिपी वाज राइट, यही है जो न्यूयॉर्क की इतनी बड़ी पार्टी दे सकता है. चल सकरू, कम यहीं पे रुक, मैं आता हूँ. ओके. ए माली. अयला अंतरा माली. साहब कहाँ है? अंदर. हाँ ठीक है चल. माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मी माँ, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझने हैं माँ. तू है अमर का जहां. तू गुस्सा करती है, बड़ा अच्छा लगता है. तू कान पकड़ती सर, है. आपसे कोई मिलने आया है? कोई मिलने आया है? थैंक यू माँ. जा. मार्लो से पार्टी लेने के लिए उसे किसी भी तरह बोतल में उतारना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बोतल को उतारता हूं. ये तो कोई बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा लगता है. बिल्ला नंबर 786, फिल्म दीवार, 1.5 करोड़ रुपया. क्या क्या माइंड ब्लोइंग कलेक्शन है सर आपका. अब बाय द वे सिट सर. मार्लो. नो 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 नो, इट्स फ्रांसिस मार्लो. यस सर, आपको कौन नहीं पहचानता सर. जैसे मुझे पता चला कि आपको भी मेरी तरह फिल्मी चीजें कलेक्ट करने का शौक है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि बस आपसे तो मिलना ही पड़ेगा सर. अच्छा, तुम्हें भी है? हाँ सर, और आप जैसे कदरदान से मिलने के लिए मैं खाली हाथ कैसे आता. ऑफ कोर्स, इसलिए मैं आपके लिए एक एक नायाब तोहफा लेके आया हूँ सर. तोहफा तोहफा तोहफा. लाया लाया लाया. ऑरेंज जूस? नहीं नहीं सर, सिर्फ ऑरेंज जूस नहीं है सर, ये तो डेली वैली का ऑरेंज जूस है सर. रियली? हाँ, सुन के देखिए. सिर्फ आपके इस कलेक्शन के लिए सर, स्पेशली. ओके. हाँ सर. थैंक यू थैंक यू.
और ये लाल ब्लाउज देखो। हाँ सर। 3 करोड़ भाई। क्या 3 करोड़ का ब्लाउज और इतना डर्टी? मालूम है लेकिन पिक्चर भी तो डर्टी थी। विद्या पालन का ब्लाउज फ्रॉम द डर्टी पिक्चर। क्या हुआ, तुम्हारी आंख क्यों भर आई? बात ही कुछ ऐसी है सर। क्या? जब मैं स्कूल में था तो लोगों ने मुझ पे बहुत उंगलियां उठाई क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन सर विद्या के लिए तो मैं आज भी भूखा हूं सर। मैं भी नेक्स्ट फॉलो द मालो। सर 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 ये कहां से सर? ओ ये। हाँ सर। वो शोले पिक्चर देखी थी? हाँ सर बहुत बार देखी मैंने। उसमें जो ठाकुर का नौकर था ना वो रामू काका। हाँ हाँ। वो इसी साबुन से अपने हाथ धोता था। हाथ धोता? वो ठाकुर के हाथ नहीं थे ना इसलिए। सर वैसे ये कितने में लिया सर? ये सिप्पी साहब का पर्सनल गिफ्ट है मेरे लिए। आई ला श्रीखंड। ये श्रीखंड कौन सी फिल्म का है सर? विक्की डोनर। तो ये थी मेरी स्मॉल कलेक्शन। सर आपके केस में साइज डजंट मैटर सर। यू आर वेरी नाइस। वैसे तुम करते क्या हो? सर आई एम अ डीजे बाय प्रोफेशन सर। तुम डीजे हो? यस सर। तो मेरे इस बार की न्यू ईयर की पार्टी में तुम ही बजाओगे? यस सर। सर मैं? ऑफ कोर्स मैं। आजकल तुम जैसे कला की कदर करने वाले मिलते ही कहां हैं। नो आई इंसिस्ट। सर यू आर सो स्वीट ऑलवेज। सर आपको मेरा म्यूजिक सुनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं। नहीं सर सुन लीजिए सर। या उसकी जरूरत नहीं सर। आई इंसिस्ट बोला ना। सर सुन लीजिए ना सर। ओके ओके। ये तुम हो? हां सर। सुनाने की परफॉर्मेंस चालू। I'm so proud of you. मेरी माँ चू। सर, आगे बोलिए आपकी मदद करूँ सर। बकवास बंद करो। अरे छोड़ कुत्ते छोड़। अबे क्या छोड़। सर दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं देगा तुमसे। ए, मेरे सांप की बात को छोड़ दे। मेरे सांप की बात को छोड़ दे। ये सांप की माँ है ये? हाँ, मिसेस रोज मेरी मार लो। ए, रोज मेरी मार लो। No wonder सगरू से इतने खुश लग रही है। ए, बराबर ही चलो। मेरी माँ का MMS निकाल रहा। माँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। अरे कोई रोको। Shit. कोई इस वैसी दरिंदे से मेरी माँ को बचाओ। कुत्ता। I'm very sorry सर। मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरा कुत्ता है वो आपकी माँ के साथ इस तरह की हरकत करेगा सर। तुम्हारा कुत्ता? हाँ सर। यूजली मैं ऐसी चीजों के लिए चार्ज करता हूँ लेकिन आपने इतनी बड़ी पार्टी दी उसके लिए फ्री। मतलब तुम्हारा कुत्ता ऐसी अश्लील हरकत कर करके पैसा कमाता? मतलब मेरी माँ के साथ संभोग करने वाला एक जिगलो है। नहीं सर इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस 72 घंटे के अंदर अंदर एक IPL दे दीजिए सब ठीक हो जाएगा। माँ को IPL देने से पहले मैं स्लीपिंग पिल खाकर मर जाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते को ऐसी चीज काटूंगा कि दोबारा कभी पैसे कमाने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। Dad, are you okay? No, I'm not okay. मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के साथ जो हुआ उसे मैं कैसे भुला सकता हूँ?
आप एक और बात भूल रहे हैं डैन, दादी जी का कैरेक्टर। आई मीन शी वाज सो प्योर, सो पवित्र। आप जिसे माँ कह रहे उसने तो सबके सामने, और वो भी किसी पराए कुत्ते के साथ। यू आर राइट, माँ तो पिताजी को हाथ ही नहीं लगाने देती थी, इसीलिए पिताजी ज्यादातर अपना वक्त घर के नौकर रामदीन के साथ गुजारा करते थे। पिताजी के रामदीन पे इतने एहसान थे कि रामदीन हमेशा उनके आगे झुका ही रहता था। डैड, जरा सोचिए, ये आपकी माँ कैसे हो सकती है? यू आर राइट, ये माँ कैसे हो सकती है? ये माँ कैसे हो सकती है? ये माँ कैसे हो सकती है? बॉस, अब ना आपके चेहरे से भी नकाब उतरने वाला है, जल्दी कुछ सोचो। सोचना तो पड़ेगा ही, अगर कुतिया के नाम पर खुला हुआ ट्रस्ट बंद हो गया तो बाबा थ्री जी का इनकमिंग बंद हो जाएगा और हम यहां से आउटगोइंग हो जाएंगे। हाँ, और अगर पुराने धंधे पे वापस लग गए तो अपना तो बैंड बच जाएगा। बैंड नहीं, ब्रॉड बैंड। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे सुनो, ये SNT की लाइट जलाओ, ये एडम एंड ईव नहीं, एडम एंड स्टीव है। दिस इज अ गे क्लब, ओके? यस, टुमारो नाइट एडम्स क्लब। डेफिनेटली, इसी क्लब की बात कर रही थी। Hey Adam, thanks for coming to the Gay Cyber Night and supporting our club. Thanks तो हमें कहना चाहिए। हाँ, पहली बार इतने सारे मर्दों के बीच में हम सेफ फील कर रहे हैं। Your name, I'm sorry. Hi, sorry. I'm Sid. Sorry? You're so witty. And you're so church gate. Church gate. By the way, main Adam hoon. Is club ka owner. Oh, ye club tumhara hai? What a place you have, man. साल पहले मेरा पार्टनर था स्टीव। आई वॉज द एक्टिव पार्टनर, ही वॉज द स्लीपिंग पार्टनर, बट रिसेंटली ही पास्ड अवे। ओह, कैसे? इट वॉज एन एक्सीडेंट। उसके पास वाले घर में आग लग गई थी और मेरा स्टीव उस चलते हुए घर में कूद गया था लोगों को बचाने के लिए। स्टीव ने 7 लोगों की जान बचाई लेकिन बेचारा खुद नहीं बच पाया। सच अ हीरो। बाद में पता चला कि जिन लोगों को बचाया वो फायर ब्रिगेड वाले थे, अंदर आग बुझा रहे थे। You know, you remind me so much of Steve. Who? Me? तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। Hi, Sid. अरे अनु, तुम यहाँ? I'm surprised. Actually, तुम्हें यहाँ देखकर मैं ज़्यादा surprised हूँ। अरे क्यों? अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा? जा Dix, वहाँ sit. You're just too much. Oh, by the way, कल मैं parasailing के लिए जा रहा हूँ। Why don't you guys join me? Parasailing? That's such a great idea. नहीं नहीं. मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी? अरे अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। She has to come here. और अगर सिडनी आएगा तो मजा कैसे आएगा? You have to come. Okay, I'll come. Yes.
a pleasure meeting you. Believe me, the pleasure is all mine. ये बंदा कुछ ज्यादा ही इमोशनल लगता है. किसी ने सच ही कहा है. All good guys आया देखिए, वो मैरिड. बस 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 स्टॉप. बहुत हो गया मार्लो जी, बहुत हो गया. इस बेवकूफ लड़की ने कह दिया और आपने मान लिया. This is too much. दुख इस बात का नहीं कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं. दुख इस बात का है कि आप इस पवित्र कन्या पे शक कर रहे हैं. इसे माफ कर दो माँ. मार्लो जी, आपको पता है उस दिन माँ से जो मिलने आए थे वो कौन थे? कौन थे? वो और कोई नहीं, आपके 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 पिताजी थे. पिताजी, पिताजी, माँ. हाँ मार्लो जी, कल रात को जीजस और मैं डिनर करने गए थे. आवर लास्ट सपर. दिल्ली दरबार की बिरयानी जे को बहुत पसंद है. तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके पिताजी दोबारा माँ की जिंदगी में लौट कर आए हैं, उन्हें वो देने के लिए जो पिछले जन्म में उन्होंने सिर्फ रामदीन को दिया था, पवित्र प्यार. अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने आती. You are absolutely right. पिताजी को घर लाने की तैयारी करो. Of course, माँ. सुना तुमने? अब पिताजी भी वापस आ रहे हैं. और कहीं थीसम, और अब तक मैं हैंडसम. फकरू कब से अकेले मजे हैं? ये क्या? सवेरे सवेरे वस्त्र आ रहा है. प्राउड ऑफ यू माय बॉय. अरे यार, कम ऑन डूड, तू यहाँ पर भूल लटका के बैठा है. वहां पूल में देख, लोग क्या क्या लटका के बैठे हैं. देखना. एक बात तो कंफर्म है डूड, ये सब उस दूसरी लड़की का इन्फ्लुएंस है. कन्वर्टर मैं नहीं, वो है. कम. इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर है, हाउ टू गेट सिमरन बैक इनटू माय लाइफ. जिस तरह अर्जुन ने बाण छोड़ते वक्त सिर्फ पोपर पे निशाना लगाया था, वैसे ही मुझे. डूड डूड डूड, एग्जांपल के तौर पे भी तू तो पोपट की बात करी मत. ये होपलेस है. तू कहता है ना कि सिमरन तेरी सोलमेट है. अरे सोलवा तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द मेट? डूड, लड़की को सकरू की नजर से देख. क्या? इंप्रेस कर उसे. शो हर दैट यू आर अ मैन. तेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते ना. हाँ. नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अपना इंप्रेशन माचो थे. क्या? अपना इंप्रेशन माचो दे. हाँ यार, तू सही कह रहा है. I want to show how manly I am. इस बार तो मैं अपना इंप्रेशन डेफिनेटली माचो दूंगा. क्या? अरे माचो दूंगा. ये सिर भी ना पता नहीं खुद कहाँ चला गया, और मेरे हाथ में दे गया ये विक्की डोनर. इंप्रेशन माचो. मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. ये मेरा दोस्त है और मेरे लिए पोज कर रहा था. ये देखिए इसकी फोटो. ठीक है आगे से इसे जरा ठीक से पोज करने के लिए बोलिए मैडम. यहाँ पे बीच पे बच्चे भी खेलते हैं. सॉरी सर. थैंक्स सिमरन. वैसे तुमने मेरी फोटो क्यों ली? देखो, इसमें ज्यादा मतलब निकालने की कोशिश मत करो. Don't get any wrong ideas, okay? लेकिन तुम तो मुझे हंस के देख रही थी. मैं तुम्हें हंस के नहीं देख रही थी, मैं तुम्हें देख कर हंस रही थी. सकरू, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ गया? Shit! सिर तो अब मेरी वाट लगा देगा. मैं जाना चाहता था इस चांद के साथ, पर अब मुझे जाना पड़ रहा है.
इस उजड़े चमन के साथ। जमीन पे मिले थे, आज आसमान में। ये तो हमारे मुलाकातों की हाइट हो गई। इफ यू डोंट माइंड, एक पर्सनल सवाल करूं मिस्टर डीजे। या श्योर श्योर। तुमने बजाना कब शुरू किया? आई मीन यू नो, अब इसमें पर्सनल क्या है? मैंने तो 16 साल की उम्र में ही बजाना शुरू कर दिया। Oh, really? It all started a party. जब मैंने पहली बार अपने दोस्त को बजाते हुए देखा, और उसे देखते ही मेरे अंदर एक आवाज आई कि सिड, तू इसी चीज के लिए पैदा हुआ है। और फिर क्या है, धना धन धना धन मैं बजाता रहा। एक बार तो 24 घंटे नॉन स्टॉप बजाया। नहीं, अब कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनका एक लौता बेटा ऐसे काम करे। उनके लिए ये सब गंदा था, लेकिन मेरे लिए ये धंधा था। और जैसे ही मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया, उन्हें फाइनली एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हमारा बेटा काम चाहे जो भी करे, पैसे अच्छे कमा लेता है। आपके जेब में जो फोन है वो वाइब्रेट कर रहा है। मैं तो फोन लाया ही नहीं। ओके। I was the active partner, he was the sleeping partner. You remind me so much of Steve. Yahan to lene ke tere pad rahe. Niche lo. खाक मजा आया। साले एडम को लगा कि मैं भी उसकी तरह उल्टे तवे पे रोटी सेकता हूँ। What? मैं वैसा नहीं हूँ यार। क्या? तुम वैसे नहीं हो? Really? अरे क्या really really? मैं वैसा नहीं हूँ ये बिलीव करना इतना डिफिकल्ट है क्या? Actually, मैं तो वहाँ तुम्हारे साथ जाना चाहता था, पर वो आ गया। साले की खुशी चेहरे पे कम, पैंट में ज्यादा दिखाई दे रही थी। तुम हंस रही हो? नहीं नहीं, आई एम जस्ट हैप्पी कि तुम वैसे नहीं हो। नहीं, वो मैं वैसा नहीं हूं ये सुनकर तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? अरे मैं कहां खुश हो रही हूं। एक्चुअली कहीं तुम एडम को कंपटीशन की तरह तो नहीं देख रही हो? व्हाट रबिश, ऑफ कोर्स नॉट। चलो अच्छा है, किसी की तो खुशी सही जगह पे दिख रही है। शर्ट दा मैता बटन सोनी सोनी
तेरे शर्ट दा मैता बटन सोनिए बालों का तेरे में हर क्लिप हो गया चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा हाय देखते ही दिल ये स्लिप हो गया उमर गए यार दीवान हो तेरे लवर पुरान और डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जान उमर गए यार दीवान हो तेरे लवर पुरान और डाई हार्ड फैन तेरे है चल पड़ा ये मेरा मन बावरा तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनिए उंगली का तेरी हाय रिंग हो गया तूने मुस्कुरा के जो देख लिया हाय दिल ये फकीर मेरा किंग हो गया तेरे है तू ही कदर न जाने ओ, 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 ओ हाथों की लकीरें आजकल ले रही है करवटें तेरे गालों का मैं कलर सोनिए गले का तेरे में नेकलेस हो गया तूने ख्यालों को जो छू लिया हाय नींदों का न जाना लज हो गया मर गए यार दीवाने और तेरे लवर पुराने और डाई हार्ड फैन तेरे हैं A plus C plus B is equal to Nirvana. इतने सालों की दोस्ती में तूने फर्स्ट टाइम दिल खोल के दारू भी नहीं का है It's Goa, dude. Let's party. वो कहते हैं ना? Yeah. Live life. King size. Smoking, drinking, and fuck. सकरू? सकरू? यार मुझे लगता है थोड़ी सी चढ़ गई है सकरू मुझे बिल्ली नजर आ रहा है तेरे को भी हाँ यार मेरे को भी बिल्ली नजर आ मेरे को भी दिस स्टफ इज किला डूड हाँ यार लेना लेना पीना पी मैं सकरू को नजदीक से देख के हाँ 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 देख ले यार ओके सकरू ये तो नजदीक से भी बिल्ली लग रहा है हाँ यार बुझे दी तेरे को बोल दो सकरू तू सुना
लगता है मेरा रंग निकल रहा है। ये तो बिल्ली, what the f? ए उठ, उठ, छोड़ो ना। अबे उठ, ये सखरू की जगह बिल्ली कैसे आई? वो सखरू ने शायद सेक्स चेंज कर लिया होगा। अबे सेक्स चेंज करवाने के बाद कुत्ता कुत्ती बन जाता है, बिल्ली नहीं। तू सच बता सखरू का है, तुझे तुझे रोहित शेट्टी की कसम। देख सिद, अब तुझे सच तो बोलना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, मैंने सकरू को घुमा दिया। तूने सकरू को घुमा दिया? सॉरी यार। ए चल चल, तू सॉरी वॉरी कुछ नहीं, समझा ना? मैं जानता हूँ तूने सकरू को जानबूझ के घुमा दिया। हेलो, क्योंकि यू ऑलवेज जेलस ऑफ सेक्स लाइफ। अब मैं सकरू को कहाँ ढूंढूं यार? फ्रांसिस मार्लो, अगर फ्रांसिस मार्लो ने सकरू को पकड़ा ना, तू तो गया बॉस। ये ले, संभाल के रख। क्या बोलता है ट्रिपी? ट्रिपी डूड, पता नहीं इस धरती के बॉस ने क्या खा लिया, ये तो गया काम से। देखना है शॉट। पता करो ये अफ्रीकन तोते कहां से आए हैं। पिताजी, सकरू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अन्नदाता, मेरे मैं जानता था तुम जरूर आओगे डीजे सिंह। देखिए, हो सकता है कि सकरू की वजह से शायद आपकी माँ एक्सपेक्ट कर रही होगी, लेकिन मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक करोड़पति होकर कुत्ते चुराते हैं। चोरी? अगर अपनी चीज अपने पास वापस आ जाए तो उसे चोरी नहीं कहते हैं। आप शायद भूल रहे हो, ये कुत्ता मेरा है। प्लीज इन्हें कुत्ता मत कहो, और जिसे तुम अपना कह रहे हो ना, वो मेरे अपने हैं। ये मेरे पिताजी हैं। पायलागू, पिताजी? पहली बार सुना है कोई अपने आप को ही कुत्ते का बच्चा कह रहा है। अरे समझने की कोशिश करो, ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। मुझे मेरे पिताजी वापस कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। हम लोग गरीब जरूर है मार्लो सेठ, लेकिन बेकाऊ नहीं। मेरी बात सुनो प्लीज, ये माँ को सुख देने के लिए दोबारा जन्म लेकर दुनिया में आए, इन्हें मेरी माँ से अलग मत करो प्लीज। वो कुत्ती माँ, ये कुत्ता बाप। किसी दिन कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आई, आपका तो परिवार उजड़ जाएगा। ऐसा मत कहो, तुम जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोबारा राम दीन मेरे पिताजी की जिंदगी में आए। मुझे मेरे पिताजी वापस दे दो प्लीज, मेरे पिताजी वापस दे दो। आखिर औरों की तरह आपने भी मेरे इमोशनल नेचर का फायदा उठा लिया। आपके पास एक ऑप्शन है। बोलो, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, एक और ऑप्शन है। अच्छा ठीक है। जो पार्टी आपने मुझसे ली थी वो मुझे दोबारा देनी पड़ेगी। वो पार्टी तुम्हारी, इट्स अ डील। दिस इज अ डील। लगा तो बिस्किट की बात कर रहा है। आज समझ में आया कि सिमरन तुझे क्यों छोड़ के चली गई। अबे वो छोड़, इधर एक कोमा में चला गया। What? पिंटू, इस कुत्ते को मेरे सामने से लेके जाओ। ओके। समझ में नहीं आता इस कुत्ते की बैटरी हर आधे घंटे में रिचार्ज कैसे हो जाती है। माता जी। और अगर ये ऐसा है तो इसका मालिक कैसा होगा? हाय, फाइनली यू हियर। So, tell me, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मिलकर ही सुनाना चाहते थे? अरे सुनोगी तो पागल ही हो जाओगी। तो मत सुनाओ, घर में एक पागल काफी है। क्या? Yeah? नहीं कुछ नहीं। So tell me, what's the big news? गोवा की सबसे बड़ी न्यूएस्ट पार्टी डीजे सेट बजा रहा है। Wow, that's awesome. मैं चाहता था कि ये न्यूज सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाऊं। Thanks. वैसे ये पार्टी है किसकी? अरे
वो तो अपने आप में एक कहानी है। अच्छा? तुम सुनोगे ना तो हंस के गिर जाओगी। Really? ये क्रेजी मिलेनियर है फ्रांसिस मार्लो। वो इतना गॉनकेज है ना कि वो जरा एक कुत्ती को एक कुत्ती को अपनी माँ समझता है। और तुम्हें पता उसकी माँ का नाम क्या है? रोज मेरी मार लो। रोज मेरी मार लो। फिर तो वो किसी कुत्ते को अपना बाप भी मानता होगा। एग्जैक्टली वो कहता मेरे ही कुत्ते को अपना बाप मानता है। वैसे तुम काफी इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूँ। और फिर तुमने उसे अपना कुत्ता देकर पार्टी लेनी होगी ना, है ना? इतने कम समय में तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानने लगी हो। अब ऐसा बकरा अपने हाथ से थोड़ी जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं। बस एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए, अपना कुत्ता यहाँ से लेके वन टास। कैसे? अरे क्या कैसे, मेरा कुत्ता है, मेरी स्पेशल सिटी सुनकर वो कहीं से भी वापस आ जाता है। Amazing. एक बार बजा के जरा दिखाओ प्लीज। सिटी? You sure? Yeah. Please. It goes like this. Pay attention. Very sorry madam. बड़े साहब तुम कंट्रोल में ही नहीं रहते। बड़े साहब जिस पागल इडियट गधे की बात कर रहे थे हाँ? वो मेरे डैड हैं। डैड? ये मेरा कुत्ता नहीं है। आजकल कोई भी कुत्ता गले में पट्टा बांधकर गोद में बैठ जाता है। नॉट माई डॉगी, आई शपथ अनु, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। टीजे सिड। अनु, अनु, मेरी बात अनु, अनु, अनु। कहा छोड़ दो। अच्छा तो तुम्हें लगता है सिमरन तुम्हारी है? खुश रख पाओगे उसे? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। ओह रियली? शायद तुम्हें पता नहीं कि जो तुम्हारे पास है वो आजकल दुकानों में बिकता है और वो भी बैटरी ऑपरेटेड और गारंटी के साथ। देखो मुझे जो भगवान ने दिया है उसे चाइना के चीप प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर मत करो। सिमरन ये लड़की तुम्हें बहका रही है। सिमरन मेरे साथ चलो। सिमरन आज तो पारो को जवाब देना ही पड़ेगा कि वो देवदास की है या चंद्रमुखी की। You know, Sim, I just don't understand why men are called dogs. कुत्ते ना वफादार होते हैं। I just can't believe कि सिड ऐसा निकला। Chill, Anu. Take it easy. हाय सिमरन, मैं मुंबई से गोवा तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूं। आई स्टिल बिलीव कि तुम ही मेरी सोलमेट हो सिमरन, और मेरा दिल नहीं मानता कि तुम वैसी हो। ट्रस्ट मी सिमरन, ये लड़की तुम्हें बहका रही है। हेलो, मैं बहका रही हूं? ये देख रहे हो, ये वही रिंग है जो तुमने सिमरन को दी थी और ये इसने मुझे पहनाई है। मेरी दी हुई रिंग तुमने इसे पहना दी? इसका मतलब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है।
कुछ रुपए नहीं थे, फिर भी मैंने तुम्हें 5 लाख की रिंग दी और तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरी फीलिंग्स के बारे में। आज समझ में आया कि सोलमेट वोलमेट सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। शायद मैं इसमें कुछ ज्यादा मतलब ढूंढ रहा था। लगता है मेरी डेस्टिनी में वेडिंग रिंग नहीं, सिर्फ सफरिंग है। बाय सिमरन, बाय। हाथों की लकीरें आजकल ले रही है करवटे, आदि जैसे लड़के को हाथ से मत जाने। हाय डैड। ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जान, मर गए यार दीवाने वो तेरे लवर पुराने। ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जान। बिलीव नहीं होता ना, लेकिन करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये वही लड़की है डूड जो सिमरन की गर्लफ्रेंड है। आर यू श्योर? मैंने अपनी आंखों से देखा है डूड, मैंने सिमरन को जो रिंग दी थी वो उसने पहनी थी। रिंग? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। No wonder वो एडम एंड स्टीव में थी। अपनी सीन का तो फुल केरोसिन हो गया यार। जिन लड़कियों से हमने प्यार किया वो तो एक दूसरे से प्यार करती है। अब तो मुझे वो पार्टी भी नहीं चाहिए, बस सकरू को लेके निकल जाते। वैसे भी हमारे लिए रखा क्या? अब बस एक बात की खुशी है डूड कि तू भी मेरी तरह कन्वर्टर निकला। गाना सुनाई दे रहा है? वेलकम टू द क्लब। व्हाट अ फनी गेम, वन स्टिक एंड सो मेनी बॉल्स। नाइस शॉट। बात क्या है डैड? तुम लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। आहा? मैं शादी करने वाला हूँ। शादी इस उम्र में? मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माँ और पिताजी की शादी की बात कर रहा हूँ। आप कुत्तों की शादी करा रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज अनु। जरा सोचो, हम लोग कितने लकी हैं। तुमने कभी बच्चों को माँ बाप की शादी में जाते हुए देखा है? हम जाएंगे। हाँ। और शादी का मुहूर्त भी आज का ही निकला है। थैंक्स टू बाबा 3G, मैंने तो शादी के कार्ड भी भेज दिए हैं। माइकल मार्लो वेड्स रोज मैरी मार्लो। ओके, नाउ आई विल गो टू माय बॉल्स। डैड, आदि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। Can we please meet? Sid! घर पर कोई नहीं है साहब, सब लोग शादी पर गए। शादी? हमको तो बताते हुए भी शर्म आती है, ऐसे कोई करता है शादी? अनु मैडम और उनकी सहेली के लाख मना करने के बाद भी ये शादी हो रही है। बस उस गुरु ने कह दिया और मारलो जी मान गए। लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो रही है? अरे जो इंसान कुत्तों को माँ बाप मान सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है यार।
ये शादी तो रोकनी पड़ेगी डूड। लेट्स गो। सारे देवगण भी आ गए। हाय अजय, थैंक यू फॉर कमिंग। छोटे, बस एक बार ये शादी हो जाए तो बाप के नाम पे भी ट्रस्ट खोलेगा। हाँ। सारा पैसा लेकर मायामी चले जाएंगे हम, तुम और सुदामा। Yes, Mr. Marlowe. पिताजी आप नहीं, फादर, फादर। Ladies and gentlemen, we have gathered here this morning to witness the holy reunion of a very unusual couple. Rosemary Marlowe, do you take Michael Marlowe to be your lawfully wedded husband? माँ हाँ कह रही है, मुस्कुरा भी रही है। Nice. Mr. Michael Marlowe, do you promise to take Miss Rosemary Marlowe to be your lawfully wedded wife? I now pronounce you man and wife. Now, ladies and gentlemen, it's party time. For coming, Mr. दबा कर दे। यहाँ तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है डूड, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? हम नहीं जा सकते, लेकिन ये तो जा सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस लेले, अबे साले तुझे यही कार्ड मिला था क्या? लेले, इससे अच्छा इनविटेशन और क्या हो सकता है? That's nice, मिस्टर मार्लो। Yes, my popper. Okay. अब तो तू दिया था ना, उच्चे पैसे लेने आया हूँ। क्या दिया था? Hi sweetie, मुझे आराम से लगा। तुझे अपने प्यार का वास्ता। बस कर यार, कितना अरे लगता अटक गया। क्या? आराम से वरना फट जाएगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बैठ लेकर के। ओ ओ। Finally, काम हो गया। सिट किसी और के साथ? Impossible. He's mine. ये मार्लो साहब ने किसकी शादी पे बुलाया है? फोन पर तो कहा था कोई सरप्राइज शादी है। वो बात छोड़ो, हम गोवा मार्लो की सरप्राइज शादी में नहीं आए हैं। हम गोवा तुम्हारी बेटी को लास्ट टाइम समझाने के लिए आए हैं कि चिंटू के साथ शादी कर ले। इतने लड़के लोगों को ना कहेंगे, हाँ लोग क्या समझेंगे तुम्हारी बेटी में ही खोट है। अरे कितना क्यूट है ना। Invitation, please. Thank you. Excuse me, photo of the unique couple. Thank you. Thank you. दूध लिया, फिर भी पैसे नहीं दिया। क्या कहा आपने? क्या दिया? दूध। मुझे भी चाहिए। आप तो भी चाहिए। लेकिन माल अच्छा होना चाहिए। ले चाब, आप क्वालिटी की तो बिल्कुल फिकल मत करो। पोपट नाम है मिला। आप थाली मेले को इतना बोले इंडियन चाहिए क्या? फॉरेन, फॉरेन भी है। अले चाब, मेले पास तो अमेरिकन भी है, लचियन भी है, इटालियन भी है। आप तो मैं एल्बम भी दिखा सकता हूँ। एल्बम एल्बम पूरी तैयारी। एक बात बता दे, शॉर्ट टाइम के लिए कितना और फुल नाइट के लिए कितना? चला अश्लील आदमी, मैं चले तो दूध की बात कर रहा हूँ और तू ऊद की बात कर ले। भाग भाग। लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई सिमरन। अरे तुमने अपना सेक्स चेंज करवा लिया? अगर तुम मेरी लाइफ में आने को तैयार हो तो मैं सेक्स चेंज करने को भी तैयार हूँ सिमरन। आदि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। नहीं हो तो फिर ये शादी? वो तो अंकल कुत्तों की शादी करवा रहे हैं। कुत्तों की शादी? ऐसी शादी कराने के बाद ये भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी सोसाइटी में क्या मुंह दिखाए? जरा चेहरा देखिए उसका, कितनी दुखी लग रही है। पूछो इससे, पूछो क्या उस शादी से खुश है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, दिस इज माय पर्सनल डिसीजन। ओके, कैसे बाप है आप?
ये भी नहीं सोचा कि आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इनको तो बच्चे भी नहीं होंगे। मतलब क्यों? आपको डेफिनेटली इलाज की जरूरत है। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मुझे मिलते ही प्रपोज कर दिया। I just didn't know how to handle it. तुमसे ज्यादा चिपको मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है, और अब लगता है इस चिपको के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। आदि, ये क्या कर रही हो सिमरन? आज तो मैं आपको अनाथ करके रहूंगा। देखते हैं कि ये आपके पिता है या मेरा भाई। ये तुम्हारे डैड है पहलागु जी। जीती मत रहो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ नहीं आई, वरना तुम्हारी हरकतें देख के उसको तो हार्ट अटैक आ जाता। ऐसी लड़की बांधना चाहते थे हमारे घर में? देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। अंकल आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो लड़का हूँ। हाँ। कम से कम लड़का तो है। भाई एक एक को चुन चुन के लेना। ये बुरी आत्मा जरूर दिन की होगी। दिन नाम था लेकिन काम हमेशा रात वाले करता था। इधर तेरे बोतल से पानी आ रहा है, उसके आंख से पानी आ रहा है, और इसके तो ये सब जो हो रहा है ये तुमने क्यों किया? ये शादी तोड़ने के लिए। How sweet. Thank you, Sid. वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हारी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ? Impossible. मेरी शादी? अरे अगर तुम दबा कर दे हो तो मैं क्या करूं? यहाँ मेरे पिताजी दबा कर ले रहे हैं, कुछ करो यार। मार्लो जी, आपके पिताजी छूट गए। Let's begin the holy ceremony. दबा कर दे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह सर। ये म्युनिसिपैलिटी में कुत्ते पकड़ने का काम करता था। हाँ, आप जैसे लोगों को कुत्ते बेचकर ट्रस्ट खोलना और उनके ट्रस्ट के साथ खेलना, ये उसका पुराना धंधा है सर। ना ही आपके पिताजी है और ना ही ये कोई गुरुजी है। इसे मैंने 4 साल जेल भिजवाया था, अब इसे वापस वही भिजवाना पड़ेगा। क्या ये सच है? मार्लो जी अब फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं? ये आप ही के पिताजी है, ट्रस्ट में। ओ, रावण क्या 3G बाबा की जीप पर लात मारूं? अवश्य। किसी ने मेरी मारने की कोशिश की तो मैं इन्हें कुत्ते की नोच मार दूंगा। ए, मेरे पास नहीं आना वरना गोली चला दूंगा। हम लोग हिंदी फिल्म के हीरो हैं। हम लोग नहीं मरने वाले। इस गलत फहमी में मत रहना, शोले में अमिताभ, आनंद में राजेश खन्ना भूल गए। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म के हीरो थे और हम लोग ऑर्डिनरी फिल्म के हीरो हैं। ए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये असली बंदूक है। मजा आ रहा है? दो दो बंदूक। तो फिर एक मुझे दे दो। कौन सी वाली? जिसमें कम मजा आ रहा है वो दे दो। तो ये ले लो। चलो दे। हाथ में मत लो। हाथ में लेने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं। तो दे दो। आपको किसने बुलाया? बुलाने की क्या जरूरत है, फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा है। अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे?
गुड पॉइंट। नहीं तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, वरना इस बाबा 3G के चक्कर में आकर मैं कुत्तों को माँ बाप समझ कर उनकी शादी कर रहा था। वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन। आदि को आखिर उसकी सोलमेट मिल ही गई और सिमरन के आते ही उसे चिंगम भी मिल गई। गोवा की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी डीजे सिड ने बजाई और वो भी अकेले नहीं, अनु के साथ। सखरू ने आखिर अपनी आदतें बदल ही दी। टुडे ही इज बिकम अ वन वुमन मैन। कुछ भी बोल यार, आखिर हमने अपना इंप्रेशन माचो माचोस की फोटो खींचो। On me, girl. It's time we get it.